मध्यप्रदेश के सीधी में जागरूक करने का एक अनोखा तरीका देखने को मिला, जहां यातायात प्रभारी भागवत पांडे फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भागवत पांडे अपने फेसबुक पेज गर्व करो इस वर्दी पर से रोज कई बार लाइव होकर न केवल घरों में बने रहने की समझाइश दे रहे हैं, बल्कि वो लाइव के माध्यम से लोगों के घर पहुंचकर उनकी जरूरतों का सामान भी पहुंचा रहे हैं। हारेगा कोरोना जीतेंगे हम के हैशटैग से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को सजा भी दे रहे हैं। तुम छुपे क्यों, तुमको क्या लगा हमारी नजर बहुत तेज है? हम वहाँ से 300 मीटर दूर थे तभी हमने देख लिया कि तुम छुप रहे हो। छुपे क्यों, चालू करो, रुकना नहीं। अरे आओगे कैसे, जब हम आने देंगे तब ना आओगे। घर की चाय के लिए शक्कर लेने आए थे बगल में, बस सॉरी अब नहीं आएंगे। नहीं नहीं शक्कर लो, तुम लाइव देखते हो हमारा? जी सर मैं देखता हूँ। फिर जब मोबाइल है लाइव देखते हो तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए। निकला हूँ बगल से, निकला हूँ आपकी यूटिलिटी से सामान लेने आया था। नहीं तो लाइव में हम क्या बताते हैं? सही बताते सर, मैं सामान लेने आया था। बताते क्या है ये बताओ सर? घर से मत निकलिए आप लोग, यही बोलते सर हम नहीं निकले। वो पूरा हटाओ वो मुंह दिखे तुम्हारा सर। जाने तो सीधी लोग कि तुम कैसे बंदे हो। और पास आओ थोड़ा सा बस 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 आप लगाओ। बोलो क्या करना चाहिए घरों से? जी घर से निकलना चाहिए? नहीं। क्यों निकले सर? सामान लेने आया था, चाय लेने। लाइव देखते हो तुम्हें तो पता है ना? जी सर। क्या बताता हूँ मैं लाइव में? जी सर आप बोलते हो आप मत निकला करो। हाँ सर हम नहीं निकलेंगे, प्लीज छोड़ दीजिए। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है सर देखने में। जी धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? टोला से बोल रहे हैं। जी कहाँ से? थनावा टोला। अच्छा अच्छा, और बताइए क्या करते रहते हैं दिन भर? आपको अभी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है जिस तरह से सर, दिन भर आपका वीडियो देखते रहते हैं, लाइव देखते रहते हैं। अच्छा लाइव में जैसे कभी कभी हमारी टाइमिंग मिस हो जाती है तो उसमें गुस्सा नहीं आता आपको? फिर दूसरा वीडियो देख लेते हैं आप ही का। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा लगता है आपको इन वीडियोज में? आपकी बातें, आपका हंसना सब अच्छा लगता है। अच्छा जो जो मैं ज्ञान बांटता हूँ उसमें वो अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है सर। कि घर में रहिए बढ़िया अच्छे से रहिए, सब अच्छा लगता है। डायलॉग कौन सा पसंद है आपको? घर में लीजिए। सही है सही है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और कुछ सुझाव देना चाहेंगी आप? और ये भी अच्छा लगता है जो सबकी आवाजें निकालते हैं आप। अच्छा ये ठीक लगता है, आज नाना पटेकर साहब की आवाज निकाली थी, सही थी वो? वो भी अच्छा लग रहा था, ऐसे हंस रहे थे। अच्छा चलिए बढ़िया है, हंसिए बहुत अच्छा है, हंसिए मुस्कुराइए और खुश रहिए हमेशा, और देखते रहिए लाइव, और इसके साथ में पढ़ाई वगैरह का ध्यान रखिए, है ना? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। कोरोना हारेगा जीतेंगे हमारे सर। क्या बात है, आप सब जीतेंगे पूरे सिटीवासी। थैंक यू सो मच, नमस्ते। नमस्कार, YouTube लाइव में स्वागत है आपका, आज तो Facebook लाइव है। जी सर। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं साहब? सर मैं सूरत से बोल रहा हूँ, नवीन प्रताप सिंह। सूरत से? जी सर मैं सीडी का रहने वाला हूँ। अच्छा सूरत में रहते हैं, क्या शुभ नाम बताया? नदीम, नवीन प्रताप सिंह। नवीन, नवीन प्रताप सिंह। जी सर। सर हाँ। मैं यहाँ से आपका लाइव देखता हूँ पूरा का पूरा। हाँ सिंह साहब क्या अच्छा लगता है लाइव में? सर सब कुछ आपका अच्छा लगता है, पूरा लाइव देखता हूँ आपका। अच्छा लाइव में सर। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कोरोना के बारे में? सर जी सर यही बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और सरकार इतनी मेहनत कर रही है, डॉक्टर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग को उसका पालन करना चाहिए सर। अच्छा बिल्कुल सही, और जी? और कोई संदेश है आपका? जी सर यही संदेश देना चाहता हूँ, और जो भी आप लोग कर रहे हैं तो हमारे लिए ही कर रहे हैं सर, तो उसके लिए हम लोग को मतलब पालन करना चाहिए नियमों का। बिल्कुल, कुछ लोग हैं तो नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी तो हम यही कहना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी नियम है तो हमारे लिए है सर।
तो देखा आपने भागवत पांडे जी कैसे लोगों के साथ संवाद करते हैं, लोगों की क्या शिकायत है उस पर बात करते हैं, और तो और पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ ये जो जरूरतमंद लोग हैं उनके घर पहुंचकर उनकी जरूरतों का सामान पहुंचा रहे हैं रोज, ये कभी YouTube लाइव के जरिए, कभी Facebook लाइव के जरिए जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, सीधी के जो लोग हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित करते हैं। भागवत पांडे जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज पर, बहुत बहुत स्वागत भागवत जी आपका। बड़ा अजब गजब तरीका है आपका लोगों को समझाने का, तो हम शुरुआत उस अजब गजब तरीके के साथ ही करना चाहते हैं कि लोगों को लॉकडाउन का कैसे पालन करना है। नमस्कार, मैं हूं सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे। जय हिंद सभी को। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम, और ऐसा तभी होगा जब हम सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जब तक आवश्यक ना हो घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर ना जाए। अगर लॉकडाउन में थोड़ी सी भी छूट आपको मिलती है तो उसमें घर का जो बड़ा सदस्य है, जो भी आवश्यक सामग्री है खरीदने के लिए, वो केवल वही बाहर निकले। इसके अलावा अगर आपको कोई सामग्री चाहिए तो आप होम डिलीवरी का सहारा ले सकते हैं। तो विभिन्न माध्यमों की तरफ से हमारा जिला प्रशासन सीधी बहुत ही शानदार काम कर रहा है। हमारे कलेक्टर साहब श्री रविंद्र चौधरी जी, भागवत जी, हम तो नाना पाटेकर स्टाइल का इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से। हाँ जी, ऐसा सर, अच्छा है। आज एपीपी ने बुलाया है, कल आज तक बुलाएगा, कल इंडिया टीवी बुलाएगा, दुनिया भर के चैनल बुलाएंगे, मैं आऊंगा और चला जाऊंगा। मनोरंजन करके अंदर मत घुस जाना, मनोरंजन करके अंदर मत रह जाना, बाहर मत निकलना, इतना ध्यान रखना मेरी बातों का। अगर आप मेरी बात सुनने के बाद भी, एबीपी न्यूज देखने के बाद भी बाहर निकल आए, क्रिकेट खेलने लगे, वॉलीबॉल खेलने लगे, तो निश्चित रूप से कोरोना जीत जाएगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर तुम ऐसा करते हो ना तो फिर देख लेना, मैं गियर में लूंगा और बोलूंगा आओ यार करते हैं बातें चार। थैंक यू सो मच। भागवत जी, आपके एसपी साहब ने आपको बुलाकर ये नहीं बोला कि कहां आ गए तुम पुलिस में, बॉलीवुड क्यों नहीं चले गए? वो देखते हैं आपका फेसबुक लाइव। जी सर, मैं बोलूं, बहुत ही बिल्कुल देखते हैं सर, देखते हैं, और उन्होंने मुझे साफ इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि देखिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, और किसी पर जब तक बहुत आवश्यक ना हो कोई खास कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मतलब लाठी डंडे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम कर सको ऐसा तो अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पुलिस की गरिमा भी बनी रहे और लोगों की गरिमा भी बनी रहे, और लॉकडाउन का पालन करके दिखाना है, बहुत अच्छा करना है, सभी सिटीज के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। हमारे जो आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक जी हैं चंचल शेखर साहब, श्रीमान चंचल शेखर जी, उनका साफ आदेश है कि जनता को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन भी होना चाहिए। तो हमारी सीधी पुलिस, अगर मैं बात सीधी पुलिस की करूं तो सीधी पुलिस ने जिस तरह से काम किया है आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ सीधी शहर की जनता ने बिना किसी भी वाद विवाद या कोई भी तरह का विवाद पुलिस के साथ उसका नहीं हुआ, और हमेशा पुलिस का ध्यान रखते हैं, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और सभी लोग आश्चर्यजनक रूप से जब मैं लाइव आता हूं तो सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। और आलम यह है कि आज ये लाइव के 12% लोग तो विदेश में देखते हैं, सबसे ज्यादा सऊदी अरब में देखते हैं, 1.6% लोग। तो ये सब हुआ है चूंकि ये भी अच्छा लग रहा है कि आप मीडिया के माध्यम से एक आम आदमी की तरह पुलिस में इतनी व्यस्तता के बावजूद आप इस चीज को भी मॉनिटर करते हैं कि कितने लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अब नाना पाटेकर तो आप बन गए, अमिताभ बच्चन बनने की भी तैयारी क्या? नहीं भाई साहब, देखिए अमिताभ बच्चन बनने की तैयारी नहीं है, हम तो बस इतना ही सोचते हैं कि आप लोगों के भले के लिए अगर कुछ करते हैं थोड़ा बहुत मनोरंजन, अगर इस व्यस्तता में आप घरों के अंदर हैं और थोड़ा बहुत मनोरंजन हम आपको दे पा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी और मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है, और मैं अब तो मैं सोच रही हूँ कि जब आप फेसबुक लाइव करें तो मैं जरूर आपको आपसे जुड़ूं, आपको देखूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है भागवत पांडे जी, ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं ये जमीन पर कितना सफल होता हुआ आपको दिख रहा है? ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंग शिप है, लोग आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप और इलाकों की पुलिस को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि लाठी डंडे ना भांजे, इस तरीके से जुड़े लोगों से संवाद बनाएं? देखिए अगर मैं बात करूं तो लोगों से संवाद बनाने का जो ये तरीका है तो ये निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। हमें शुरू शुरू में प्रारंभ में बहुत दिक्कतें आई थी, और मैं एक मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मारपीट होती है इसमें मुझे तो नहीं लगता
रेयर केस हो तो हो, उसमें किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई अस्पताल नहीं पहुंचा, रेयर केस की बात मैं नहीं करता हूं। पुलिस का जो भी थोड़ा बहुत करते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मेरी तो ये वर्किंग ही नहीं है, पर फिर भी अगर वो करते हैं भले के लिए, कहते हैं कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, पर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना, अभी मैंने देखा था उसमें शत्रुघ्न स्टाइल में, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में बता दीजिए। मैं शत्रु जी को फॉलो नहीं करता हूँ, उनका अलग सहयोग है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात सुन लूंगा। थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि जी जी बात पूरी कीजिए सर, देवानंद स्टाइल में। एक आप, आप आपका एक प्रश्न आएगा वैसे कि लाइव मैं क्यों आता हूँ, प्रश्न आएगा आपका भी, तो चलिए जवाब दे दीजिए। जब आपने मेरे प्रश्न को पता कर ही लिया है, मेरे मन को पढ़ ही लिया है आपने, तो जवाब दे दीजिए देवानंद स्टाइल में। यही काम है मेरा, मैं लोगों के मन पढ़ता हूँ मैम, मैं लोगों के मन पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या सच में ये परेशान है, क्या ये बाहर निकला है तो किसी मजबूरी में निकला है, अज्ञानता में निकला है, किस क्यों निकला है, कारण क्या है उसका। तो ये जब हम पता कर लेते हैं तो हमें उनसे व्यवहार करने में वो होती है। जब ये पुलिस की मारपीट की वीडियो जाते हैं हमें बहुत दुख होता है, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं बताता कि पुलिस से किस तरह से, जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो पुलिस से किस तरह से लोगों ने व्यवहार किया है उस मारपीट के पहले, ये कोई नहीं दिखाता। तो इसलिए हमने ड्यूटी के साथ साथ उसको दिखाना चालू किया, हमने ड्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं की, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज, ड्यूटी हमारी यही है कि लोग लॉकडाउन में घर के अंदर रहें, तो हमने ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाई है और जितना हो सकता था उतना समय दिया है। सुबह 6-7 बजे मैं निकलता हूँ, रात में 10:30 बजे वापस आता हूँ, हम लोग ऑफ कैमरा भी उतना ही काम करते हैं, सीधी की जनता सब जानती है, ऑफ कैमरा भी हम बस्तियों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और वो होती है। और मानवता की मिसाल है, आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, जिनको फायदा हुआ है उनके कमेंट्स भी हैं, और बड़े बड़े काम हुए हैं, और जो बड़े शहर हैं, कोलकाता है, जलगांव है, और आपके लुधियाना है, भोपाल है, आप देखिएगा लाइव में, वहां बैठे लोग अगर फोन लगा के बोलते हैं कि हमें, हम 12 आदमी फंसे हुए हैं, हमें खाना नहीं मिला, तो यहाँ से उसी लाइव में एक बंदा बोलता कि मैं वहां से देख रहा हूँ और मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ, ये देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अविस्मरणीय, अद्भुत लगता है ये। जैसा कि आप तस्वीर में देख ही रहे हैं, मेरे साथ जो फ्रेम है उसमें भागवत पांडे जी को आप देख रहे हैं, और भागवत पांडे जी अचानक बहुत चर्चा में आए, चर्चा में इसलिए आए क्योंकि तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनकी आवाज निकालकर वो लोगों से लॉकडाउन पालन करने की बात कहते हैं। भागवत पांडे जी, आपने लोगों से तो अपील की कि वो लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि पुलिस की नौकरी में तनाव बहुत है, तो जो आपके साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, आपके सीनियर, आपके जूनियर, उनको आप कैसे संदेश देंगे अपने स्टाइल में, चाहे वो नाना पाटेकर का स्टाइल हो, चाहे अमिताभ बच्चन का स्टाइल हो, आप लोगों की मदद करने के लिए उनके घर तो पहुंच जाते हैं सामान लेकर, लेकिन जो लोग आपके साथ दिन रात काम करते हैं उनका तनाव कम करने के लिए आप नाना पाटेकर स्टाइल या अमिताभ बच्चन स्टाइल में क्या कहेंगे? शायद हमारा संपर्क टूट गया है भागवत पांडे जी से, मैं एक बार फिर कोशिश कर रही हूं कि उनसे हमारा संपर्क हो जाए, लेकिन इस बीच में आपको ये बता दूं कि भागवत पांडे जी बहुत ही अनोखे अंदाज में पुलिसिंग करते हैं। चालू करो, रुकना नहीं, अरे आओगे कैसे, जब हम आने देंगे तब ना आओगे, घर तो चलिए भागवत पांडे जी हमसे जुड़ गए, माफ कीजिए भागवत पांडे जी, हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो सीधी के लोग हैं उनसे तो आप फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के जरिए से ये अपील करते हैं कि भाई आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आपके साथ जो पुलिस वाले काम करते हैं, पुलिस की नौकरी जो है वो बड़ी तनाव में रहने वाली नौकरी, आपके अधिकारी जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, किस अंदाज में आप उनको मैसेज देना चाहेंगे नाना पाटेकर या अमिताभ बच्चन स्टाइल में कि तनाव ना लें, अपनी नौकरी को एंजॉय करें जैसे कि भागवत पांडे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्रीमान राघवेंद्र सिंह बेलवंशी जी और हमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंजुलता पटले जी, इन्होंने इतना अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है। देखिए, अगर कोई गलत पुलिसकर्मी करता है तो उसके साथ में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी किसी भी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता, लेकिन अगर
आप अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तनाव रहित एक माहौल देते हैं, लेकिन साथ में स्ट्रिक्ट भी रहते हैं हमारे अधिकारी। अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमें सजाएं भी मिलती हैं। मतलब जो भी तनाव से कैसे दूर रहना है ये तो बता दीजिए, बना रहता है तनाव से कैसे दूर रहना है ये तो बता दीजिए अमिताभ बच्चन स्टाइल या नाना पाटेकर स्टाइल में। देखिए भाई साहब, एक हमारे यहाँ कहावत है बघेली में कि कान छदामे के पड़ी और बतासा खाए के पड़ी। एकर मतलब यह होता है, इसका मतलब यह है कि कान जो है जब कर्ण भेदन संस्कार होता है तो कान तो छिदवाना पड़ेगा, आप बतासा खाइए चाहे ना खाइए, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। अब आप खुश होके कर रहे हैं या दुखी होके कर रहे हैं, ड्यूटी आपको करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना खुश होकर किया जाए। अगर आप खुश होकर के ड्यूटी करते हैं तो आप लगातार जितनी चाहे उतनी ड्यूटी करें। हम सुबह 6 बजे से हमारी टीम निकलती है पूरी यातायात की, तो रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं, लेकिन कोई नहीं थकता। इसके अलावा अब धीरे धीरे पूरे जिले की पुलिस ऐसी हो गई है कि वो ड्यूटी करने से बिल्कुल मना नहीं करती। 8 बजे ड्यूटी लगती है, वो 7:45 बजे आकर के खड़े हो जाते हैं। भागवत जी, कभी ऐसा होता है किसी सीनियर अधिकारी की मीटिंग में आप जाते हैं और वो आपसे कहता है कि जरा नाना पाटेकर स्टाइल में बताओ इस काम को कैसे करोगे? नहीं, हम ये अनुशासन का विभाग है, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सभी अनुशासित रहते हैं। हालांकि जब उनका कभी ऐसा कुछ होता है, पार्टीज होती हैं हम लोगों की, और हम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो भी पार्टीज होती हैं तो उसमें पूरा मौका मिलता है, पूरा एंटरटेनमेंट होता है वहां पे, सभी लोग अच्छे से रहते हैं क्योंकि पुलिस वाले भी मनुष्य हैं, मानव हैं, उनका भी दिल करता है कि वो भी गाना गाएं, वो भी नाचें, वो भी मिमिक्री करें, वो भी खुश रहें, तो वो उनकी निजी लाइफ होती है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन भी करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पुलिस वाला ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और यहाँ सो रहा है वहां सो रहा है, उसके पहले भी देखिए कि वो कितना ड्यूटी करके आया है, वो वहां क्यों सो रहा है, वो खुश हो रहा है अगर अपने परिवार के साथ, उसे भी खुश रहने का अधिकार है। इतना निवेदन है आपसे, किसी भी पुलिस वाले की ड्यूटी समझिए कितनी मेहनत करता है, इसके बाद में कमेंट करें। बहुत बड़ी बात भागवत पांडे ने कही कि पुलिस वाले को भी इंसान समझिए, अगर वो ड्यूटी पर सो रहा है तो वो क्यों सो रहा है इसकी वजह भी जानने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि वो पिछले 48 घंटों से ड्यूटी कर रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत पांडे।